हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों कैसे आप सभी लोग यहां पर अपने मोबाइल में बिना किसी एप्लीकेशन के किसी भी जो भी टेक्स्ट होता है यहां पर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे और जो हिंदी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये जो है आप लोग बिना किसी एप्लीकेशन के थ्रू भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करिए। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको गूगल ट्रांसलेट लिख लेना है। इस तरीके से आप लोग गूगल ट्रांसलेट लिखेंगे तो आपके सामने गूगल ट्रांसलेट आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो है हिंदी सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट हो चुका है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको एंटर टेक्स्ट पे क्लिक करके इंग्लिश में जो भी आप ट्रांसलेट करेंगे वो यहाँ पे आपको नीचे में जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग हिंदी पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश पे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आप लोग यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे वो यहाँ पे नीचे में इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करे सिर्फ और सिर्फ क्रोम ब्राउजर में जो है सर्च करके आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल में हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और हिंदी को जो है आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।